काफी सारे लोगों के कमेंट आ रखे हैं कि आपने सिंगल यूनिट 3 BHK फ्लैट तो दिखाए हैं मगर 2 BHK सिंगल यूनिट फ्लैट नहीं दिखाए। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंगल यूनिट 65 गज के अंदर में लिफ्ट और गाड़ी पार्किंग के साथ में 2 BHK फ्लैट काफी अच्छे सुंदर डिजाइन के साथ में आपको मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा, शर्मा रियल एस्टेट एंड बिल्डर। आज आपके लिए लेके आए हैं 2 BHK फ्लैट। तो आइए दिखाते हैं 2 BHK फ्लैट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आ चुके फ्लैट के अंदर, यहाँ पे आपको मिल जाती है लिफ्ट। लिफ्ट के आप देख रहे हैं तो यहाँ पे टाइलों का काम किया गया है, तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस मिल जाता है फ्लैट के अंदर जाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आ चुके फ्लैट के अंदर और फ्लैट के अंदर फ्लश के अंदर में देख रहे हैं तो ब्लैक और व्हाइट कलर की टाइल लगाई गई है। ये में एंट्रेंस डोर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ आप देख रहे हैं फर्श में काफी बड़े डिजाइन का आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है। काफी बड़ा 12x12 का आपको ड्राइंग रूम मिलता है। वॉल के ऊपर में वॉल पेपर लगाया गया, सुंदर डिजाइन वाला आपको वॉल पेपर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है एसी का पॉइंट लगा हुआ। सीलिंग के अंदर की बात करते हैं तो सीलिंग के अंदर में 2 फैन लगाए गए, झूमर लगा हुआ है और फूल का डिजाइन दिया हुआ है सीलिंग के अंदर। अगर इधर साइड की में इस वाली दीवार पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है आपको एलईडी पैनल के साथ में आपको डोरो फोन भी मिलता है यहीं पे लगा हुआ। शोकेस के अंदर में आपको स्पेस मिल जाता है काफी को स्टोरेज करने के लिए। ऊपर भी आपको सुंदर सा डिजाइन मिलता है, लाइटें लगी हुई मिलती हैं। ये था हमारा ड्राइंग रूम काफी बड़ा। आइए दिखाते हैं इसकी किचन। तो दोस्तों आ चुके हैं किचन के अंदर। किचन के अंदर में स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपना फ्रिज लगा सकते हैं। नीचे ब्लैक और व्हाइट टाइल लगाई गई है और ग्रे कलर की इसके अंदर में माइका लगाई है, व्हाइट कलर का पत्थर लगाया गया है। व्हाइट कलर की इसके अंदर में जो अलमीरा बना रखी है उसके अंदर में भी आपको व्हाइट कलर की माइका लगी हुई मिलेगी। यहाँ पे आपको चिमनी लगी हुई मिलती है। साइड में आपको काफी बड़ी स्पेस के साथ में आपको किचन मिल जाती है एल टाइप कॉर्नर की, काफी बड़ी स्पेस के साथ में। आप इधर देख रहे हैं तो यहाँ पे चिमनी भी लगी हुई है, ऊपर आपको स्टोरेज करने के लिए हमने रैक बना रखे हैं, और इधर आपको टूटियां लगी हुई मिलती है, वाश बेसन लगा हुआ मिलता है। नीचे भी आपको स्टोरेज करने के लिए आपको मॉडर्न किचन मिल जाती है। सीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो 3 इंची की इसके अंदर में आपको लाइट लगाई गई। सीलिंग का काम काफी सुंदर और डिजाइन वाला किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी किचन, आइए दिखाते हैं इसका फर्स्ट बेडरूम। तो दोस्तों आ चुके हैं फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम के अंदर आप देख रहे होंगे तो टाइलों का काम यहाँ पे काफी सुंदर किया हुआ है। व्हाइट और ब्लैक अच्छा मैचिंग के साथ में आपको टाइल मिल जाती है। बॉल की अगर हम बात करते हैं तो बॉल के ऊपर में वॉल पेपर लगाया गया, बहुत अच्छे सुंदर डिजाइन वाला। साइड में आपको एसी का पॉइंट लगा हुआ मिलता है। तो दोस्तों अगर सीलिंग की बात करते हैं तो सीलिंग के अंदर में एक फैन लगा हुआ है, 3 इंची की लाइट लगी हुई है, सुंदर सा डिजाइन बना हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, आइए दिखाते हैं इसका अटैच बाथरूम। तो दोस्तों ये है हमारा अटैच बाथरूम। बाथरूम का स्पेस देख रहे होंगे तो काफी बड़ा मिल जाता है। सारी चीजें इसके अंदर में लगी हुई है, सेंटरी का काम लगा हुआ है, टूटियां इसके अंदर में लगी हुई है, सावर आपका लगा हुआ है, गीजर हम आपको लगा के देंगे। तो दोस्तों काफी बड़ा स्पेस के साथ में आपको अटैच बाथरूम मिल जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा अटैच बाथरूम, आइए दिखाते हैं सेकंड बेडरूम। तो दोस्तों आ चुके हैं सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम में अगर देख रहे हैं तो फर्श के अंदर यहाँ भी आपको टाइल लगी हुई मिलती है, काफी बड़ा स्पेस मिल जाता है। 12x12 फुट का आपको सेकंड बेडरूम मिलता है। साइडों में देख रहे हैं तो यहाँ पे शोकेस लगाए गए, नीचे आप अपने लैंप लगा सकते हैं, सुंदर सा डिजाइन मिल जाता है। बॉल के ऊपर में वॉल पेपर लगा हुआ है, ऊपर भी स्टोरेज करने के लिए हमने अलमीरा बना रखी है। काफी बड़े स्पेस के साथ में आपको अलमीरा दिख रही होंगी। सीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो सीलिंग के अंदर में भी काफी अच्छा सुंदर डिजाइन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको फैन मिल जाता है। साइड में आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे एलईडी पैनल मिल जाता है लगा हुआ, काफी स्टोरेज मिल जाती है। ऊपर भी आपको शोकेस लगा हुआ मिलता है, नीचे भी स्टोरेज करने के लिए एक शोकेस आपको बना हुआ मिलता है। विंडो आपको लगी हुई मिलती है, एसी आप यहाँ पे विंडो लगा सकते हैं, बड़ी सी विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड बेडरूम, इसी के साथ में दिखाता हूँ इसका अटैच बाथरूम। इस फ्लैट के अंदर में आपको 2 बाथरूम मिलेंगे,
दो बेडरूम मिलेंगे, एक ड्राइंग रूम मिलेगा, एक किचन मिलेगा, काफी बड़े स्पेस के साथ में लिफ्ट और गाड़ी पार्किंग मिलेगी। तो आइए दिखाते हैं इसका अटैच बाथरूम। तो दोस्तों नीचे आपको आपको टाइल लगी हुई मिल जाती है, यहाँ पे आपको बोल माउंटेड सिंक मिल जाती है, बोल के ऊपर में टाइल लगी हुई मिलती है, नीचे आपको टूटियां लगी हुई मिलती है, यहाँ पे आप अपना गीजर लगा सकते हैं, यहाँ पे हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन मिल जाता है, दोनों दीवारों के ऊपर में आपको टाइल लगी हुई मिलती है, सीलिंग के अंदर में लाइटें लगी हुई मिलती है, काफी बड़े स्पेस के साथ में आपको अटैच बाथरूम मिल जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ में दिखाता हूँ इसकी बालकोनी। तो दोस्तों ये है हमारी बालकोनी, और बालकोनी के अंदर भी देख रहे होंगे तो बॉल के ऊपर में टाइलों का काम किया गया, नीचे आपको फर्श के अंदर में भी टाइल लगी हुई मिलतेगी, ग्रिल आपको स्टील की मिलती है, स्टील की ग्रिल काफी बढ़िया आपको ग्रिल मिल जाती है, क्योंकि SS की ग्रिल लगाई, कभी भी जंग नहीं आएगा इसके ऊपर में। तो दोस्तों ये थी हमारी बालकोनी। तो दोस्तों ये था हमारा 2BHK फ्लैट जो कि 65 गज के अंदर में बनाया गया है, लिफ्ट और गाड़ी पार्किंग मिलती है, मेट्रो से 500 मीटर की दूरी पर मिल जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लैट है, फ्लैट का प्राइस काफी कम रखा गया है। प्राइस जानने के लिए सामने दिए गए नंबरों पर कॉल करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।